तारापुर और कुशेश्वर स्थान में होने वाले उपचुनाव को लेकर आरजेडी ने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है। और तैयारी ही नहीं, दावा किया जा रहा है कि महागठबंधन के उम्मीदवार उस पर जीतेंगे दोनों सीटों पे। इस वक्त जेडीयू प्रवक्ता है नीरज कुमार, तैयारी अभी से ही आरजेडी ने शुरू कर दी है, दावा किया जा रहा है कि दोनों सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार ही होंगे। विपक्ष के नेता ने मुँह से दावा कर दिया और हमारे दल के नेता माननीय मंत्री संजय झा जी, अशोक चौधरी जी और हमारी पार्टी के MLC संजय सिंह जी उस क्षेत्र में दौरा कर करके वहाँ के लोगों की जो ज़रूरतें हैं, जो विकास की ज़रूरतें हैं, उस काम को हम कर रहे हैं। तो कोई काहू मगन, कोई काहू मगन, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा कर दिए और हम वहाँ के लोगों की अपेक्षा के अनुरूप कार्य को भी संपादित कर रहे हैं। तो भ्रम में जीने का आदत है तो भ्रम में जीते रहें। चुनाव है, चुनाव में जनता जो जनादेश देगी उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन सरकार हमारी निरंतर जन कल्याण का कार्यक्रम कर रही है, इसलिए तेजस्वी यादव को भ्रम में जीना है तो भ्रम में जीते रहें। एक सवाल है, लगातार आप लोग को कहा जाता है तेजस्वी यादव हर सभा में कहते हैं कि चोर दरवाजे से आए हैं, चोर दरवाजे से आए हैं। अरे तो ये कौन दरवाजा था? ये जेल का दरवाजा था कि पिताजी जेल के अंदर में कैद खाना में कैद थे तो 80 से 74 हो गए? ई कौन था? ये जेल खाना है? कांग्रेस को 27 से 19 पहुंचा दिया, आपकी संगति के चलते तो कांग्रेस 27 से 19 पर पहुंच गया। और बहुत सारी सीटें हैं जहां NDA के उम्मीदवार बहुत कम अंतराल से हारे हैं, चाहे वो मटिहानी हो, डिहरी हो, कुड़नी हो या बखरी का सीट हो, बहुत सारी सीटें हैं जहां 100, 200, 400 वोट से हारे, तो वहाँ हम क्यों हार गए? भाई जनता का जनादेश को स्वीकार करना चाहिए, इसलिए इस ढंग की भाषा वही बोल सकता है जिस पर चोरी का 420 का आरोप हो। 420 का जो आरोपी होगा, जो सजायाफ्ता 420 का बेटा होगा, तो उससे किस भाषा की उम्मीद करिएगा? अरे लोकतंत्र में जनता का जनादेश मानना चाहिए। तो रोजगार को लेकर लगातार कहा जा रहा है कि नौकरियां मिली नहीं जो वादा किया गया, नौकरियां चली गई। मिली नहीं, ये कौन कहेगा कि नौकरी मिली लेकिन जमीन नहीं लिया गया? ये अपराध या गुनाह हम जरूर कर दिए, लेकिन आप उनके निर्वाचन क्षेत्र में राघोपुर का भी देख लीजिए, जो उनका निर्वाचन क्षेत्र है, उनके भाई का निर्वाचन क्षेत्र है, उनका गांव है, वहाँ बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिला है। उस सारे लोग को जो रोज़गार मिला है तो किसी का नौकरी जमीन में नहीं लिखवाए हम लोग, कोई नहीं कह सकता कि एक जमीन लिखवाया गया उनका ननिहाल में, जहाँ जहाँ भी हुआ सरकारी क्षेत्र में बहुत रोज़गार मिले हैं। जो भी संभावनाएँ हैं सरकार उस पर लगातार काम कर रही है, शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चालू है, इसलिए और भी COVID-19 की चुनौती के बीच ऐसे काम हम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से बिहार सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं चुनौती के साथ कहता हूँ कि तेजस्वी यादव आप दिल्ली में जाते हैं हमेशा, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बिहार की जनसंख्या और क्षेत्रफल को मानक मान लीजिए और बिहार के नौजवान जैसे रोजगार की ओर बढ़ रहे हैं दिशा में, अब इससे बड़ा गौरव का बात क्या होगा कि आतंकवाद विरोधी दस्ता बिहार की बेटियों का पहला ये बटालियन बिहार में बना है, देश में पहला बटालियन बना है, तो गौरव नहीं हो रहा है उनको? तो जिसके दिमाग में नकारात्मक बातें रहेंगी वो नकारात्मक ही सोचेगा। एक सवाल है लालू परिवार को लेकर, तेज प्रताप यादव ने अलग छात्र संगठन बनाया है, छात्र राजद पहले से था, क्या लगता है RJD? ये राष्ट्रीय जनता दल का अंदरूनी मामला है, ये तो स्वाभाविक है ना भाई। भाई तेज प्रताप यादव उनके पुत्र हैं, बड़े बेटे हैं, उनको लगता होगा कि भाई हमारी भी अहमियत है इस परिवार में। और तो कोई तो चलाते हैं, कौन पेजे लालू जी के नाम पर चलाते हैं, सेकंड लालू। हाँ तो अब ये आप स्वीकार करने के लिए तो कौन किसको स्वीकार करेगा, ये अलग विषय है, परिवारवाद में तो ये सब होता ही रहता है। बिल्कुल नीरज कुमार थे जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। देखते रहे लाइंस बिहार, नमस्कार।